मंशा आपकी तीन बहनें हैं और आपके अम्मा और अब्बा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो व्हाट वाज इट लाइक ग्रोइंग अप इन अ हाउस ऑफ स्ट्रांग वुमेन एंड प्रेज्यूमेबली अ स्ट्रांग फादर? आई थिंक माई हाउस होल्ड वॉज प्राइमरली मेट्रियार्कल इन मेनी वेज, बिकॉज मेरी अम्मी ज़्यादातर जो मेजर डिसीशंस थी हमारी लाइफ की कि कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, वो ही लेती थी. और मैं किसी को उस दिन ये कह रही थी दैट यू नो फेमिनिज्म एंड द कैच फ्रेज फेमिनिज्म केम अबाउट वेरी लेट, मतलब विद इन द पाकिस्तानी सोसाइटी एक चीज़ है और इसका क्या मतलब है. टू मी इट्स रियली बिन अ वे ऑफ लाइफ बिकॉज देर वॉज नो अदर वे टू डू थिंग्स, कोई और तरीका नहीं था. आपको हर चीज़ करनी थी, आपको खाना भी आना चाहिए पकाना, आपको ड्राइविंग भी आपको करनी है, आपको घर भी चलाने आना है. मेरी अम्मी जो है वो बिकॉज मेरी फिर बाद में बहनें दो बाहर चली गई, तो मेरी अम्मी चली जाती थी 6 महीने के लिए. तो लिटरली सिंस दी एज ऑफ 20 something मैं अकेले रहती थी और वो पैसे मुझे देती थी कि ये घर मैनेज करना है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देन जो भी घर में मसले मसाले, देयर इज नो गाय, तो घर में एसी खराब हो गया है या ये मसला है, वो सब चीज़ें आपको खुद करनी है. तो फॉर मी इट्स रियली बिन वे ऑफ लिविंग बिकॉज देयर वॉज नो अदर वे टू लिव. So that's, it's been a very, and of course, mere liye obviously, you know, I am privileged, there's no doubt about it, and sheltered. So obviously, is loves ka maina dusri khawateen ke liye to bahut alag hoga. There's no denying that fact. Jee. But meri had tak, I would say ki maine apni zindagi guzari hai, jo bhi meri zindagi abhi tak rahi hai, through this, because there was no other way to live. Jibran, are you a feminist? Mm-hmm. Bilkul. To bataye hamare viewers ko ki aapke liye feminism kya hai? हमारे लिए फेमिनिज्म क्या है? देखें, हमारे लिए तो फेमिनिज्म या मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इक्वल प्लेइंग फील्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यही मांगा जा रहा है. आप अगर किसी को बराबर का इंसान जानते हैं तो उसे बराबर के हकूक देंगे और उसे बराबर का अख्तियार देंगे अपनी ज़ात के ऊपर भी और अपने मामलात के ऊपर भी, और उसको आगे बढ़ने के लिए बराबर के मौके देंगे. चूँकि आप किसी भी मज़हब या फ़िके से या रंग या नस्ल या जेंडर से हों, तमाम इंसानों के अंदर जो एक चीज़ मुश्तरक है, कॉमन है, कि जब वो रात को सोते हैं तो वो ख्वाब देखते हैं. और ख्वाब जो है वो बेहतर ज़िंदगी का ही देखा जाता है. तो हर एक के अंदर अगर खुदा ने वो जस्तजू दी है एक बेहतर ज़िंदगी इमेजिन करने की, तो उसको जीने का हक़ भी इस माशरे को देना है. तो वही है कि जिस तरीके से कुदरत ने दोनों को बनाया है, उस तरीके से ही दोनों को ट्रीट किया जाए. दोनों बराबर के हकदार हैं इस ज़मीन के. अभी आपने बड़ी प्रोफाउंड बातें की हैं विद अ टोटली स्ट्रेट फेस, एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हिम कि नो के जो चीज़ हम सब में कॉमन है, कि मैं कहने, आई थॉट आप कहने लगे इंसानियत, जो चीज़ कॉमन है हम ख्वाब देखते हैं. तो मंशा, टू बी एंगेज्ड एंड टू हैव अ लाइफ पार्टनर हु इज माशाल्लाह, मैं ऐसी बातें नहीं करता. दो तीन दिन पहले हमारे एक दोस्त है, हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, और वो आके अपना एक कोई मसला शेयर कर रहे थे. एंड ऑब्वियसली यू नो मैन टू मैन थोड़ा सा अलग होता है, राइट? तो मैं उसको अपने तरीके से समझा रही थी एंड जिब्रान वॉज एक्सप्लेनिंग इट टू हिम इन हिज वे. और मैं, क्योंकि मैं इतना आई गेस लड़कों के अराउंड रही नहीं हूँ इन दैट वे, तो मैं भी एक्चुअली बैठ के सुन रही थी. एंड द एडवाइस दैट ही वॉज गिविंग हिम वॉज वेरी लॉजिकल एंड क्लियर कट, यू नो. मैं थोड़ा इमोशन, ऑल्दो ही डज हैव दैट इमोशनल क्वेश्चन, नो डाउट, आई वुडंट से दैट ही इज नॉट प्रोफाउंड, बट ही हैज हिज, हां, बट ही हैज हिज मोमेंट्स जब हम बताओ अदरवाइज होते हैं. तो ही इज द जोकर, ही इज द वन हु इज द क्रैकिंग द जोक्स, एंड ही इज द वन हु इज द, मैं हंस रही होती हूं, I'm more laughing, and he's how does Jibran flirt with you? How does he, this is very private, how he flirts with me, but I would say that within our personal capacity, he's the one who's, acha chal itna to bata sakte, he's very romantic, he's a very romantic person. So that's how I would say he would flirt, ke main thodi si wo hu ke conventional in the sense ke if I look after a person to mera alag tarika hai, inka wo hai the flowers and the, the, you know, the dramatic, you know, sara wo jo hota hai, the setup aapko, and all of that, matlab notes likh ke dete hain, pyar kiya ehsaan to nahi kiya na, aapko nibhana bhi hai to wo jo, aur agar hai to aapko khud hi dil chahta hai dikhane ka aur nibhane ka, hum dono se zyada hai, kabhi kabhi banda lazy bhi ho jata hai, lekin हाँ वो कभी कभी होता है. और ये रिमाइंडर्स दे देती हैं ये, ऐसा नहीं है कि शी गेट्स अनॉयड विद माय एंटिक्स.
when she starts missing him, she will drop a very soft Hint reminder, polite reminder कि ये चीज़ें अब नहीं हो रही जो हुआ करती थी. तो आप दोनों पब्लिक आए में हैं, यू नो आई ग्रू अप विद पेरेंट्स जो दोनों पब्लिक आए में थे और मैंने उनको देखा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई है, निभाई है, मुश्किल भी बहुत आई हैं. तो आप दोनों को कैसे आप आपस में जब बात करते हैं, आप अदाकारा हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, तो what is it like for you and what are the pressures? कभी कभी आपको होता है कि यार काश के इसको ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए. मैं तो मैंने सीख लिया है कम से कम अपनी ज़िंदगी के हवाले से तो कि this is what you signed up for. देखिए एक बड़े मज़े की बात की है शाहरुख खान ने, कोई इंग्लैंड का शो था, अकलमंदी की बात तो कोई भी कर सकता है और वो एक कामयाब इंसान है. जी बिल्कुल, अच्छी बातें कर, हम तो खुश हो गए. हाँ नहीं, और वो तो ऐसे ही कामयाब इंसान है. कोई ब्रिटिश टॉक शो था तो उसमें उससे पूछा वो एंकर ने कि भाई व्हेन डू यू गो आउट, आप क्या वो चश्मे वगैरह और हैट्स वगैरह पहनते हैं मुंह छुपाने के लिए. तो उसने कहा मैंने 20 साल काम किया है सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे पहचान सकें, तो व्हाई वुड आई गो आउट एंड हाइड माय फेस. तो अगर कोई एक आवाम से दाद लेने के लिए, आवाम से पसीराई लेने के लिए अगर काम कर रहा है तो उसका एक वो पहलू है कि, और दूसरी बात यह कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जो काम करता हूँ, मेरा काम तो है ही कि मैं किसी की मंतक को या किसी इस्टेब्लिश फलसफे को चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल उसके हर किस्म के रिएक्शन आएंगे. आप हलवाई की दुकान पर जाके ये शिकायत तो नहीं कर सकते कि जी मुझे तो शुगर है, आप हलवाई की दुकान में आए क्यों थे, आप पहले कहीं और चले जाते. तो इसी तरह जब आप सियासत में या एक्टिविज्म में आएंगे तो फिर आप ये शिकायतें ना करें कि भाई लोग क्यों पीछे पड़ेंगे या सवाल कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं. इसका एक जाविया चेंज करने का है कि अगर मुझे लगता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है या तंग कर रहा है या पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं अपने आप को ये कह के मुतमईन कर लेता हूँ कि आई एम लिविंग इन समवन्स हेड रेंट फ्री. तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, मैं उसके असाबों पे सवार हूँ, मेरे असाब पे थोड़ी सवार है, क्या मसला है. और वंशा आपके लिए अच्छा, दिस आल्सो रिमाइंड्स मी बाय द वे ऑफ समथिंग आई हैड आस्क्ड हिम एट वन पॉइंट. कि मैंने कहा था कि जब लोग, क्योंकि मेरे साथ ही कुछ हुआ था कि समबडी हैड सेड समथिंग व्हिच वाज अ वेरी ऑपोजिट वर्जन ऑफ हु आई थिंक आई एम. तो मैंने उनसे कहा था कि जब अगर कभी आपके साथ ही होता है तो आप क्या मतलब, हाउ डू यू रिएक्ट. तो इज लाइक मैं सोचता हूँ कि ये इस बंदे की परसेप्शन है मेरे बारे में, दैट्स हु व्हाट दे थिंक, दैट्स नॉट हु आई एम, सो दैट्स देयर परसेप्शन समथिंग लाइक दैट. गौतम बुद्ध की ने कहा था ये, तो मैंने वही क्लाइंग यहाँ पे. हाँ वैसे ही गुस्सा दी और ये बताया था आपने कि उनका उनका ये है. सो आई वुड से हाउ डू वी कोप अप विद द पब्लिक प्रेशर. देखें फॉर मी पर्सनली आई थिंक दैट हमारा काम इतना मुख्तलिफ है जी, कि दैट ऑल्सो मेक्स इट मच ईजियर, दैट इन द सेंस कि I would not really want to be with somebody who's an actor in that sense because I hear you girl. It's too close to home. Hamare sare masail ek hi jaise hain, hamari sari soch bhi you know ek hi, not maybe not ek hi jaise, but you know I like to leave my work you know at work. Bilkul. So when I talk to him mujhe ek alag you know perspective milta hai. So yes, of course the fact that we are both public figures is challenging. Yeah. But at the same time uske bahut hi ek positives hain ki because hamare lifestyle you know we still understand the pressures but our perspectives are coming from two different angles. Isna so I think hum ek dusre ke challenges ko for granted bhi nahi lete na. Agar main inke shobay se hota to ho sakta hai main undermine karta inke concerns ko, ye mere shobay se hoti to undermine karti. Ek to we are both equally fascinated because dono ke mukhtalif ek taur tarika hai. और दूसरी बात ये भी कि देखें आप बेशक किसी के साथ ज़िंदगी गुजारें मगर वो होता है ना माई स्पेस जी, कि आपका दिन किसी के इंतज़ार में गुजरना नहीं चाहिए, आपका दिन खुद कुछ करते हुए गुजरना चाहिए. बिल्कुल माशाल्लाह एन एंटरप्राइजिंग एम्बिशियस वर्किंग वुमन. मैं खुश हूँ कि दिन के अच्छे मैं खुश हूँ कि दिन के कुछ घंटे इन्होंने अपने अंदर अपने टैलेंट को एक्सप्लोर और पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में वक्फ किए हुए हैं और उसको देख के मैं मुतासर होता हूँ और मुझे ये अपनी पास गुंजाइश है कि मैं आपको कर सकूँ. और फिर जो वक्त हमारा साथ गुजरता है वो फिर हम साथ गुजारते हैं.